दोस्तों नमस्कार, अनोखा ज्ञान YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको शादी से जुड़ी ऐसी कुछ विचित्र परंपराओं के बारे में जानकारी देने वाला हूं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और दोस्तों इस चैनल का उद्देश्य आपको दुनिया की रहस्यमयी, वास्तविक, आश्चर्यजनक, गुप्त और असंभव घटनाओं के बारे में आपको सूचित करना है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं शादी से जुड़ी कुछ विचित्र परंपराएं। दोस्तों वैसे तो दुनिया भर में शादी संस्कृति का एक अहम हिस्सा माना जाता है। शादी जीवन और मृत्यु के बीच की एक कड़ी है। हर समाज में शादी का एक तरीका अलग अलग होता है। दोस्तों दुनिया में ऐसे भी समाज हैं जहाँ शादी करने के तरीके बड़े ही चौंकाने वाले होते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले तरीके यानी कि रस्मों के बारे में आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों देखते रहें वीडियो को। नंबर एक, यहाँ दुल्हन को पूरे एक महीने रोना पड़ता है। दोस्तों चीन के सिचुआन में एक परंपरा है कि शादी से पहले दुल्हन को पूरा एक महीना रोना पड़ता है। इस रस्म को जियोटांग कहा जाता है। एक महीने तक रात में आधा घंटा रोना होता है दुल्हन के साथ। पहले 10 दिन उसकी माँ और बाद के 10 दिन उसकी दादी और आखिरी दिनों में परिवार की सभी महिलाएं इकट्ठा होकर लगातार रोने का काम करती है। नंबर दो, यहाँ दुल्हन का अपहरण करने की परंपरा है। दोस्तों किर्गिस्तान में आज भी दुल्हन का अपहरण करने की परंपरा कायम है। यह रस्म शादी से पहले होती है। पुरुष जिस महिला के साथ अपनी सारी जिंदगी बिताना चाहता है वह उसका किडनैप कर देता है। यह परंपरा रोमानिया समाज में जीवित है। दोस्तों शादी में कोई दहेज ना मांगे और लड़की के घर वाले लड़की के पसंद के लड़के से शादी करवाने को राजी ना हो, इसलिए यह परंपरा मनाई जाती है। नंबर तीन, दोस्तों इस परंपरा में हंसना मना है। दोस्तों कांगो समाज में शादी के दौरान दुल्हन और दूल्हे को हंसना मना होता है। शादी की रस्म पूरी होने के बाद ही दोनों को हंसने की इजाज़त दी जाती है। यह रस्म शादी में ही नहीं बल्कि शादी के दौरान होने वाली अन्य रस्मों पर भी लागू होती है। नंबर चार, दोस्तों दुल्हन के सिर को मुड़वा देना यानी कि दुल्हन के सिर को गंजा करना। दोस्तों यह एक ऐसी परंपरा है। प्राचीन स्पार्टन्स समाज में शादी से पहले दुल्हन के सिर की हिजामत की जाती है। इस समाज में दुल्हन भागकर कहीं छिप जाती है और दूल्हा उसे ढूंढ कर लाता है, तब माना जाता है कि शादी की रस्में पूरी हुई। नंबर पाँच, दुल्हन को जलील करना। दोस्तों मसाई संस्कृति में शादी का एक तरीका दुनिया से सबसे अलग है। यहाँ दुल्हन को जलील और प्रताड़ित किया जाता है। सगाई के समय लड़की को एक बुजुर्ग के साथ भेजा जाता है जहां उसके ससुराल वाले उसका स्वागत कर उसको जलील करके मार के और उसके सिर पर गोबर लगा कर करते हैं। वहीं एक और रस्म के तहत लड़की का पिता भी उस पर थूकता है। नंबर छः, टॉयलेट में बना जूस पीना। दोस्तों फ्रांस की संस्कृति में शादी की अजीबोगरीब रस्म है जिसे लासू कहते हैं। जैसे ही नया जोड़ा हनीमून पर जाता है उसी समय सभी गेस्ट पार्टी के बचे हुए खाने को इकट्ठा करके एक नए टॉयलेट के चैम्बर में डालते हैं और उसमें पानी डालकर उसका जूस बनाते हैं।
यह जूस दुल्हन के परिवार वालों को पीना पड़ता है। नंबर 7, व्हेल मछली का दांत उपहार में देना। दोस्तों, फिजी समाज में शादी की रस्म कुछ अलग ही है। इसमें लड़की वालों को दुल्हन के पिता को व्हेल मछली का दांत देना पड़ता है। दोस्तों, यह इस बात का प्रतीक होता है कि लड़के वाले संपन्न घर के हैं। यह परंपरा तबुआ के नाम से प्रचलित है। नंबर 8, दूल्हा दुल्हन पर काला रंग डालना। दोस्तों, इस काट समाज में शादी को तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक कि दूल्हा और दुल्हन पर काला रंग नहीं डाल देते। काला रंग दोनों पर अचानक डाला जाता है। यह इसलिए किया जाता है ताकि नवविवाहित जोड़े का जीवन सुखमय हो सके। नंबर 9, 3 दिन तक शौचालय बंद रखना। दोस्तों, इंडोनेशिया के टिडांग्स संस्कृति में शादी की एक अनोखी रस्म है। यहाँ शादी के बाद 3 दिनों तक नवविवाहित जोड़े को शौचालय नहीं जाने दिया जाता। नंबर 10, लड़की की पेड़ से शादी। दोस्तों, भारत के कुछ प्रांत में यह परंपरा है कि यदि लड़की मांगलिक है तो उसे पेड़ से शादी करनी पड़ती है। लड़की की शादी पीपल के पेड़ से की जाती है ताकि उसमें जो भी दोष हो खत्म हो जाए और शादी की संभावनाएं बनी रहे। इसी तरह भारत के कुछ हिस्सों में प्रेत बाधा दूर करने के नाम पर लड़की की कुत्तों से भी शादी करवाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल अनोखा ज्ञान को प्लीज सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे Facebook पेज अनोखा ज्ञान को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।